हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेटामॉर्फोसिस में, यूट्यूब चैनल में। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने नोट की है कि लोग फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी में बहुत सारी चीजें फेस करते हैं। और डिफिकल्टी इसलिए फेस होती है क्योंकि बेसिक बात यह है कि मेमोरी का इश्यू होता है, और आप जरा प्रैक्टिस से हट जाते हैं तो चीजें बाहर निकल जाती हैं। और मैं काम करता हूं निमोनिक्स पे। अगर आपने बहुत पहले की, जब शुरुआती तौर पे मैंने वीडियो बनाना शुरू किया था, तो मैंने एक रिवॉल्यूशनरी टेक्निक ऑफ वर्ड्स पे एक वीडियो डाली थी, तो उसमें आप निमोनिक्स देख सकते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जब आपको लिटरेचर से जूझना है, आपको लैंग्वेज से जूझना है, और याददाश्त का बहुत बड़ा रोल है, तो ऐसे पे हम क्या करें। सबसे बड़ी बात यह होती है कि इन सब चीजों में हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। इतने सारे ऑथर्स हैं, इतनी बुक हैं, इतने सन हैं, वैसे इतने मुहावरे हैं, इतने सिनोनिम्स हैं, तो स्मार्ट वर्क के लिए हमें थोड़े से अपने अंदर, जैसे आप देखते हैं ना कि किसी चीज में एक हुक बना दिया जाए और उसमें उसे फंसा दिया जाए तो वो टिका रहता है, तो ऐसी हम ब्रेन में मेमोरी हुक्स क्रिएट करते हैं। तो हमारे पढ़ाने का तरीका भी यही है। जो लोग मुझसे ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन, वो जानते हैं कि मैं वो मेमोरी हुक क्रिएट करता हूं। लेकिन मेमोरी हुक क्रिएट करने में उनका संबंध, हमें केयरफुल होना होता है कि उनका संबंध इतना सटीक होना चाहिए कि हमें एग्जैक्टली वही मीनिंग आए। तो मैं कुछ ऐसे मेमोरी हुक क्रिएट करने की कोशिश करता हूं। तो आपके सामने चार पांच मुहावरे ला रहा हूं, फ्रेजेस, और फिर सिनोनिम्स भी लाऊंगा, फॉरेन वर्ड्स भी लाऊंगा, एंटोनिम्स भी लाऊंगा, बस बने रहिए। और स्पेलिंग्स टेक्निक भी लाने वाला हूं जिनके स्पेलिंग कमजोर है। तो चलते हैं आज कुछ चार फ्रेजेस पे, चार या पांच फ्रेजेस करा करेंगे, छोटी छोटी वीडियो, जिससे आप थोड़ा सा टाइम लगा के रोज ये देख सकें और अपने को रिफ्रेश कर सकें। तो चलिए आज के चार मुहावरों में सबसे पहले मुहावरे की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो फ्रेज मैं लाया हूं आपके लिए, अ कोल्ड रिसेप्शन। चलिए बात करते हैं कोल्ड रिसेप्शन की। आजकल शादियों का मौसम भी चल रहा है और आप कई रिसेप्शन अटेंड कर रहे होंगे, और जाड़ों के दिन आ गए हैं, तो का इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जाड़ों में होने वाला रिसेप्शन है वो कोल्ड रिसेप्शन है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन कोल्ड रिसेप्शन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, और जरा देखते हैं इसे। मान लिया आप अपने किसी फ्रेंड के वहां गए, और वो फ्रेंड के वहां जाते ही आपने दरवाजा खटखटाया, और उनके घर से किसी ने दरवाजा खोला, बेटे या बेटी ने, और जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला तो जनरली लोग ग्रीट करते हैं, नमस्कार, कैसे हैं, क्या हाल है। लेकिन उन्होंने कहा जी, तो आपने कहा बेटा पापा घर में? उन्होंने कहा नहीं, पापा तो घर में नहीं है, और आधा दरवाजा ही खोले रखा। तो कितनी देर में आएंगे? कुछ कह के नहीं गए, पता नहीं। फिर आप खड़े रहे, उन्होंने अंदर आने के लिए भी नहीं बोला आपसे, तो आपने बोला थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो मुझे कुछ काम था, देख लीजिए आप, हमें तो पता नहीं कब तक आएंगे। वहीं खड़े रहे। अच्छा बेटा, एक गिलास पानी मिलेगा? पानी के लिए तो उन्होंने पूछा नहीं, आप ही ने कह दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है, आधा दरवाजा खोला जरा सा, आप खड़े रहे दरवाजे के, वो पानी वहीं पर ले आए। तो पानी तुरंत आपको दिया, आपने कहा बेटा थैंक यू, तो जब पापा आएंगे तो कह देना कि हाँ मैं कह दूंगी, खटाक, या कह दूंगा दरवाजा बंद। आपने यूं किया, ये क्या हुआ? और आप घर लौटे तो घर वालों ने पूछा, गए मिले अंकल? तो आपने कहा नहीं मिले तो नहीं, लेकिन उनके घर में कोई मिला था, बेटा या बेटी। अच्छा, तो क्या कह रहे थे? अरे कहना क्या, उन्होंने तो अंदर भी नहीं आने दिया ढंग से, पानी मांगा, पानी पिला के घर से ऐसे बाहर कर दिया जैसे कि हम कोई भार हो। अच्छा, ऐसा हुआ क्या? यस। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको कुछ अच्छी तरीके से बोले। सिर्फ एक आदमी इतना ही एक्सपेक्ट करता है, आपका वेलकम हो, या फिर आपसे बात करने में एक वॉर्म्थ हो, ऐसा रूडनेस ना हो। ठीक है, आप एक वॉर्म्थ को एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या? एकदम उल्टा, और आपसे बहुत रूड बिहेवियर किया गया, और आपको बिल्कुल भी एक तरीके से तवज्जो नहीं दी गई। तो ये होता है अ कोल्ड रिसेप्शन, अ वेलकम लैकिंग इन अफेक्शन। जब आपसे कोई बुरे मन से वेलकम कर रहा हो और उसमें कोई अफेक्शन ना दिख रहा हो, तो यह है कोल्ड रिसेप्शन।
आप जानते हैं जब कोई व्यक्ति आपके घर में ऐसा आ जाए या फिर आपके को ऐसा मिल जाए जिससे आपकी सही नहीं बनती या फिर विचार नहीं मिलते या यू गेट निगेटिव वाइब्स फ्रॉम हिम, यू विल नेवर रिसीव दैट फेलो विद ए वॉर्म्थ ऑफ इमोशन. यू विल ऑलवेज lack in warmth of emotion, and that is cold reception. A person understands a cold reception. He understands it very clearly because it gives negative vibes. So cold reception is a welcome lacking in affection. Aisa swagat jisme emotion kahin nahi ho, bhav kahin nahi ho, emotion ki kami ho. So you can say that whenever I go to or whenever I visit his home, I always receive a cold reception or I have always a cold reception. या वो मुझसे सही से बात नहीं करते, ठीक है? तो दोस्तों चलते हैं दूसरे मुहावरे पे और दूसरे फ्रेज पे बात करते हैं. To play ducks and drakes. I am repeating, to play ducks and drakes. चलो छोड़ो मुहावरे पे, चलते हैं किसी झील के किनारे. मौसम भी अच्छा हो रहा है, ना ठंडा है ना गर्मी है, और चले झील के किनारे. और झील के किनारे जब आप पहुंचे, सामने शानदार लैंडस्केप आपको दिख रहा है, क्या बढ़िया झील और खेत, खलिहान, पेड़, चिड़ियों का कलरव, तो आवाजें चिड़ियों की, तो आपको अचानक एक, आप सभी ने एक गेम जरूर खेला होगा, आपको अचानक हाथों में कुछ होने लगता है. वहां पर जो गोल गोल पत्थर झील के किनारे, उनको उठा के आप एकदम पैरेलल निशाना बना के यूं फेंकते हैं और वो पत्थर एक के बाद एक एक ऐसे भागता है, तो वो झील में जितनी दूर तक जा सके, तो फिर खुश होते हैं और फिर शर्त लगाते हैं, चल तू कितनी दूर फेंक सकता है, मैं इतनी दूर, इतनी दूर. और दो तीन लोग हो तो फिर तो क्या कहने, एक के बाद एक पत्थर झील पे पड़ रहे हैं और कई कई बार आधी झील भी क्रॉस कर देते हैं और बहुत आगे तक. और फिर इसमें बहुत मजा आने लगता है और लोग फ्लैट पत्थर ढूंढ ढूंढ के ये गेम खेलते हैं. तो बहुत कम लोगों को पता है कि ये गेम का नाम ही डक्स एंड ड्रेक्स है. इस गेम का नाम ही डक्स एंड ड्रेक्स है. आप खेल रहे हैं एक गेम डक्स एंड ड्रेक्स. अब इस गेम की खास बात क्या है? इस गेम को अगर आपने खेला होगा, मैंने भी बहुत खेला है, इस गेम का सबसे बढ़िया मजा यह है कि टाइम का पता ही नहीं चलता. बस खेलते जाओ, खेलते जाओ, और शर्त पे शर्त और दूर, और हर बार ये एक्सपेक्टेशन रहती है इस बार तो बहुत अच्छा, और अगर अपने अपोनेंट से कम हो गया तो और उत्साह के साथ कि अगली बार चलो देखते हैं एक बार, और चार पांच लोग हो गए फिर तो मजा ही कुछ और है. तो डक्स एंड ड्रेक्स खेलने में एक्चुअली वेस्ट ऑफ टाइम होता है, बहुत टाइम वेस्ट कर सकते हैं हम. तो आपको याद हो गया मुहावरा, टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स का मतलब टू वेस्ट, पूरी तरीके से किसी चीज को बर्बाद करना. वहां पर आप समय बर्बाद करें तो हुक लगा लीजिए कि डक्स एंड ड्रेक्स में समय बर्बाद होता है, दैट्स ऑल, और आपको हमेशा याद हो जाएगा कि टू वेस्ट, ठीक है? अब आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, ही इज नॉट स्टडिंग, ही जस्ट प्लेइंग डक्स एंड ड्रेक्स, वो पढ़ नहीं रहा है, जस्ट वेस्ट कर रहा है टाइम, ठीक है? ओके, तो आज का ये दो मुहावरे के हुक बनाए हैं मैंने, और तीसरा मुहावरे की बात करते हैं. टू पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स, टू पुट द कार्ड बिफोर द हॉर्स. चलिए बात करते हैं घोड़ा गाड़ी की, ठीक है? और आपने घोड़ा गाड़ी देखी होगी, और जिन्होंने नहीं देखी फिल्मों में भी देखी होगी. तो गाड़ी के आगे कुछ इस तरीके के दो एक एंगल्स होते हैं लकड़ी के, और उसमें घोड़े को एक रबर के इस तरीके से चीज में टिकाया जाता है, और दो घोड़े हों तो फिर दो दोर से ऐसे किए जाते हैं और घोड़े लगाए जाते हैं. अब आपने देखा है कि पहले घोड़े लाए जाते हैं, उसके पीछे गाड़ी लगाई जाती है, और बारातों में भी आपने बग्गी वगैरह देखी होगी. अब एक महान एक सुबह कुछ ऐसा कर रहे थे नजारा कि आपको मजा आ गया. आपने देखा गाड़ी तो आगे है और वो घोड़े पीछे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां घोड़ा लगाने का कोई चीज ही नहीं है. वो कह रहे नहीं मैं तो ले जाऊंगा ऐसे ही गाड़ी के पीछे. तो अब आप बताइए आपका रिएक्शन क्या होगा? अगर आप उसे जानते हैं, आप उससे कुछ बोलने वाले हैं क्या? जाहिर सी बात है, नेचुरली आप एक ही चीज बोलने वाले, अरे दिमाग खराब हो गया क्या? अरे घोड़े यहां लगते हैं, आगे लगते हैं, तुम्हें दिख नहीं रहा आगे शेप बना हुआ है पूरा, एंड यू आर जस्ट पुटिंग द हॉर्स देयर एट द बैक ऑफ द कार्ट. तो कहता है अच्छा यहां नहीं लगते हो, तुमने कहा लगा के दिखाओ. ऐसा तो फिर जो है जादूगर ही कर पाएगा, तुम तो नहीं कर पाओगे. तो आखिर में घोड़ा चल नहीं सकता वैसे, और न गाड़ी चल सकती है.
तो कुछ हो नहीं पाया उससे और आखिर में उसे आगे ही लगाना पड़ा। तो वो जो काम कर रहा था वो काम करने का ढंग गलत था, क्योंकि वो काम जैसे होता है वैसे नहीं कर रहा था। तो टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स के लिए यही हुक है कि घोड़े को पीछे लगाना यानी गलत काम करना, काम का सही तरीका ना होना। तो इसका मतलब होता अ रॉन्ग वे टू डू समथिंग, टू अकॉम्प्लिश समथिंग। अगर आप गलत तरीके से कोई टास्क कर रहे हैं तो फिर वो गलत है, तो उसको कहेंगे टू पुट द कार्ट बिफोर द, टू पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। तो ये एक अच्छा मुहावरा है और इसको आप ऐसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि यू हैव टू कंप्लीट दिस स्टेप फर्स्ट, ओनली देन द क्वेश्चन विल बी सॉल्व, बट यू आर नॉट डूइंग दिस, यू आर प्लेइंग जस्ट पुटिंग द कार्ड बिफोर द हॉर्स। ऐसे प्रश्न होता है ये स्टेप पहले करना, तुम ऐसा कर नहीं रहे हो, यू आर डूइंग इट ए रॉन्ग वे, इट इन ए रॉन्ग वे, ठीक है। तो ये था तीसरा, जो आपने घोड़े गाड़ी और उसके थ्रू हुक बनाया, और जिसका मतलब है क्योंकि वो एक रॉन्ग तरीके से घोड़े को लगा रहा था तो वो रॉन्ग वे ऑफ डूइंग द टास्क था। चलते हैं चौथे की ओर, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, अदर फिश टू फ्राई, अदर फिश टू फ्राई। आप जा रहे थे, आज मूवी देखने का शौक चढ़ा हुआ है और एक दोस्त आपको मिल गया, तो आपने कहा चलो यार मूवी दिखाने चलते हैं। वो दोस्त वैसे तो हमेशा तैयार रहता है, क्योंकि जब कोई दिखा रहा है और पैसे उसके खर्च हो रहे हैं तो वो हमेशा तैयार रहता है, तो हमेशा तैयार रहता है। लेकिन आपको आज बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा नहीं यार आज नहीं आ सकता। तुमने कहा क्या बात कर रहे हो, आज क्यों नहीं आओगे भाई, मूवी है बढ़िया है और चल रहे हैं देख रहे हैं आ जाएंगे। उनके कहता नो नो, थोड़ा इंग्लिश पढ़ रहा था वो आजकल। तो उसने कहा आई हैव अदर फिश टू फ्राई एट होम। तुमने कहा है, तुम्हारी इंग्लिश कमजोर थी, तुमने कहा मछली बन रही है, अरे चलो फिल्म कैंसिल, आज मछली का ही प्लान से। तो उसने कहा अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ठहर जाओ, इंग्लिश पढ़ लिया करो थोड़ी। अदर फिश टू फ्राई मीन आई हैव सम इंपॉर्टेंट, अदर इंपॉर्टेंट वर्क टू डू एट होम, टू अटेंड एट होम। तो जब आपका कोई ज्यादा महत्वपूर्ण काम कहीं हो बचाओ, तो आप उसे कहते हैं अदर फिश टू फ्राई, जैसे आप प्रायोरिटाइज करते हैं। तो आपसे किसी ने कहा चलो शादी में चल रहे हो, तो सीधे सीधे कहते हो आई एम सॉरी टूडे आई हैव अदर फिश टू फ्राई, यानी कि मेरे को कुछ अलग इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है करने के लिए। तो ये मुहावरे मैं आपके लिए लाया था, और ऐसी सिनोनिम्स लाऊंगा अगले में और एंटोनिम्स, तो आपके सामने हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आते रहूंगा। तो विदा लेता हूं आपसे, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो कमेंट करें, और मुझ पे अपना प्यार बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।